दीवार है मगर लोग नहीं, गलियां हैं पर सड़क नहीं, खिड़कियां हैं पर निगाहें नहीं। ये कहानी है एक श्रापित गांव की, ये कहानी है कुलधरा की। राजस्थान की धरती कई अन्य विशेषताओं के साथ दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती है। इन्हीं आकर्षणों में शामिल है राजस्थान का एक ऐसा गांव जो काफी सदियों से वीरान है। इस गांव को कोई शापित गांव कहता है तो कोई भूतहा गांव कहता है, लेकिन इस गांव की पहचान ये है कि अब ये हॉन्टेड टूरिज्म स्पॉट बन चुका है। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि इस गांव को 12वीं शताब्दी के अंतिम दौर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, लेकिन वर्ष 1825 से यहां कोई नहीं रहता। इस गांव के निवासी रातों रात स्थान को छोड़कर चले गए। इस बारे में कोई नहीं जानता कि कहां गए। कहते हैं एक जमाना था जब ये गाँव काफी खुशहाल हुआ करता था। इस बात की गवाही यहाँ के खंडहर देते हैं। करीब 200 साल से भी ज्यादा सूना पड़ा हुआ ये गांव उस दौर के घरों के खंडहर आज भी संजोए हुए हैं। कैसे थे, इनका रंग रूप और आकार कैसा था, टूरिस्ट देख सके, इसीलिए सरकार ने कुलधरा में ही कुछ चौकियां तैयार करी हैं, जिसे हम सैंपल हाउस भी कह सकते हैं, ताकि इसके थ्रू सबको पता चले कि 19वीं सदी में ये गांव के घर कैसे थे। कहानियां आपको सुनने मिलेगी। एक कहानी ऐसी है कि उस दौर में राजा के सेनापति सलीम सिंह को पालीवाल ब्राह्मण की बेटी से प्रेम हो गया था। सेनापति उस लड़की से शादी करना चाहते थे। हालांकि उस जमाने में अंतर जातीय विवाह की अनुमति नहीं थी, लेकिन सेनापति ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर गांव वाले उस लड़की के साथ उसका विवाह नहीं करेंगे तो वह उनसे ऊंचा कर वसूलेगा।
भविष्य में आने वाले संकट से बचने के लिए गांव वालों ने रातों रात इस गांव को छोड़ दिया। कहा जाता है कि उन्हें किसी ने न जाते हुए देखा और ये भी नहीं पता कि वे कहाँ चले गए। तो एक कहानी ऐसी भी सुनने मिलती है कि गांव में सूखा पड़ने लगा था, जिसके कारण सलीम सिंह को ये गांव खाली करना पड़ा। मान्यता है कि जाते समय गांव वालों ने इस गांव को श्राप दिया था कि इसे कभी कोई नहीं बसा पाएगा। कहते हैं तब से लेकर अब तक इस गांव में और आसपास के और कई गांव में कभी कोई नहीं बस सका है। अब ये गांव एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, साथ ही यहां पे कई फिल्मों की शूटिंग भी होती है। गांव में जब आप आएंगे तो आपको एक मंदिर भी देखने मिलेगा, जिसे सरकार ने अभी अभी रिस्टोर कराया है। एक बैलगाड़ी भी दिखेगी जो 19वीं सदी की है।